अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ ज़ारा अली और मैं हाज़िर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्किन केयर के बारे में है, और दो ऐसी चीज़ों का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिनका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है और जो जो है वो रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी, और ये आपकी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और ये बायो एक्वा का एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो अगर ये ओरिजिनल, वैसे तो इसकी मार्केट में कोई कॉपी तो अभी मुझे जो है वो नहीं मिली। मैंने जिनसे बाय किया मुझे डेफिनेटली पता होता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बायो एक्वा जो है वो चाइना का ब्रांड है। इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है एक्सफोलिएटिंग जेल और एक है स्लिपिंग मिनरल मास्क, दोनों बायो एक्वा का है। और इसका इसका मैं रिव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने यूज़ किया है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है या एक्स्ट्रा ड्राई है और वो जो है स्क्रब वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, तो वो कहते हैं कि हम अपनी डेड स्किन को कैसे रिमूव करें, और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं जो ख़वातीन, तो वो जो है वो DIY रेमेडीज़ भी नहीं बना सकती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो कहती हैं बस कोई झटपट सी कोई चीज़ हो जिसे हम जो है अपनी स्किन की एक्सफोलिएटिंग कर सकें, क्योंकि एक्सफोलिएटिंग आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी डेड स्किन रिमूव करने के लिए, ताकि आपके न्यू सेल्स जो हैं वो जनरेट हो और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे। अगर आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह का इशू है तो उसके लिए भी स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसे बॉटल में जो है वो आती है, ठीक है, ऐसी बॉटल है इसका, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, और इसके बाद ऐसी ये बॉटल होती है, ठीक है। और ये पीछे इसके तमाम इंग्रेडिएंट वगैरह जो है वो मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ ज़बान में लिखा गया, कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन ये है कि इस पे यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है कि ये आपकी स्किन की तमाम डेड स्किन को जो है वो रिमूव करेगा, डर्ट को रिमूव करेगा, और आपकी जिल्द को एक्सफोलिएट करेगा, और ये नेचुरल प्लांट से जो है वो बनाया गया है। और इसकी प्लास्टिक प्लास्टिक की बॉटल है, और इसके साथ इसका ये स्पैचुला सा मिलता है। इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये ऐसी जेल सी जेल टाइप सी होती है जिसमें बहुत ही बारीक से, जैसे राइस के जो होते हैं ना वैसे होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही माइल्ड होते हैं, और जैसे एलोवेरा जेल होती है वैसे ही ये जो है वो जेल टाइप होती है। इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको ड्राई स्किन पे यूज़ करना होता है, तो इसको ड्राई स्किन पे यूज़ करना होता है। इसको जैसे मैं अब आपको एक तरफ करके दिखाऊंगी कि इसको अगर हम हैंड पे लें, इतनी सी मैंने प्रोडक्ट ली है, आपने अपने ऑल ओवर फेस पे इस प्रोडक्ट को लेना है। ये डर्ट को, मेकअप को, सब कुछ को रिमूव कर देता है। इवन कि ये जेल अगर आपने कोई वाटर प्रूफ चीज़ भी लगाई हुई है उसको भी रिमूव कर देता है। इसको आई एरिया से जो है वो आपने दूर रखना है। तो अब इसको सिंपली जो है ना बस फेस पे लगाने के बाद इसका मसाज करते हैं। तो ये आप देखें, जब वैसे मसाज करेंगे तो जो डेड स्किन है वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव करना शुरू कर देगी, और फ़र्क आपके सामने है कि जहाँ से रिमूव किया और जहाँ रिमूव नहीं किया, वो आप खुद देख सकते हैं कि सर्दियों की वजह से जो है वो डेड स्किन हमारी स्किन पे रह जाती है, ड्राइनेस रह जाती है, डल हमारी स्किन डल हो जाती है। तो इसको जब तक आपको ये वेट फील होगी, आपने अपने पूरे फेस पे जो है सिर्फ आई एरिया के पास आपने इसको रब नहीं करना, क्योंकि आई एरिया का जो आई एरिया की जो स्किन होती है वो सुपर सेंसिटिव होती है, ठीक है। जब तक कि आपको वेट फील होगा जेल आप में, तब तक इसका मसाज करते रहना है, और ये आपकी तमाम डेड स्किन को जो है वो रिमूव कर देगी, और रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है, ठीक है। तो इसको हम जो बाद में इसको फेस को वॉश कर लेते हैं, अभी अब आपके सामने रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है, ये और ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसने मेरे इधर वाले हैंड की तमाम डेड स्किन जो है वो रिमूव कर दी है। अब जब भी ये देखें, ये जो स्किन है स्मूथ हो गई है, ये स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ सी लग रही है। इसको आपने करने के बाद अपना मुंह धो लेना है, वॉश कर लेना है। अब जब हम कोई भी एक्सफोलिएटिंग जेल यूज़ करते हैं तो हमने लाजमी जो है वो मास्क यूज़ करना होता है, ठीक है। और जिनकी स्किन ड्राई है उनको मैं स्पेशली ये रेकमेंड करूँगी, क्योंकि वो जो है वो क्रीम्स वगैरह हर वक्त यूज़ नहीं कर सकते हैं, या जो मास्क शीट्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, वैसे तो रिजनेबल प्राइस में भी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी, या DIY में करो तो जी आप मलाई लगा लें या कुछ, तो उससे वो स्मेल वगैरह भी आती रहती है, और आप कभी मसरूफ़ होते हैं और दिल नहीं करता, तो आप नाइट में जो है ये यूज़ करें। ये है फ्रेश मॉइस्चराइजिंग मिनरल स्लिपिंग मास्क, ये ब्राइटनिंग के साथ है, और ये जो है वो पोमीग्रांट के लिए है। जो पोमीग्रांट है वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ठीक है।
इस पे इसका तमाम मेथड लिखा गया है। पीछे इसका ग्राम लिखा गया, 120 ग्राम का है ये। यहाँ पे इसकी कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी गई है और यहाँ पे इसको इंग्लिश में मेंशन किया गया है, कंटेन पोमीग्रेनेट मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट, डेलिकेट स्मूथ स्किन, फील इन जेंटल स्किन, केयर नाइट द नेक्स्ट डे, वाटर लाइट नाइट लाइफ वाटर, नो मॉइस्चराइजिंग अर्ली मॉर्निंग स्किन, रन थ्रू नो टाइम, वेक अप ओवर नाइट फुल ऑफ वाटर वैल्यू। तो मतलब कि यहाँ ये बताया गया कि आप इसको ओवरनाइट यूज़ करें तो आपकी स्किन जो है वो उसका जो वाटर है वो इससे जो आप स्किन जो है वो वाटर रिटेन करेगी और आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अगर ड्राई है, ये वाटर बेस्ड भी है, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग भी है, क्लीन भी करता है, आपकी स्किन को स्मूथ भी करता है। तो जिनको ड्राइनेस का मसला है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है तो ये ऑयली स्किन वाले, ड्राइनेस स्किन वाले, ऑल स्किन टाइप वाले जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसके बाद स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ब्राइट होती है। तो इन दोनों को आपने इकट्ठे यूज़ करना है। कोशिश करें कि रात के टाइम हफ्ते में दो दफ़ा इसको यूज़ करें, हफ्ते में दो दफ़ा ही उसको यूज़ करें, तो आपकी स्किन जो है वो डलनेस की शिकायत है जिसको, या जिसको स्किन ड्राई है उसको, ये उसके लिए बहुत अच्छा है और ये रिजनेबल प्राइस में है, ठीक है। इसमें भी स्पैचुला उन्होंने दिया होता है कि हाइजीन रहे, आप गंदे हाथों से इसको यूज़ ना करें, स्पैचुला से आप इसको यूज़ करें। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसको स्क्रब करने के बाद अपने फेस को आपने वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने जो है, और सबसे बड़ी बात है, वो भी सील था और ये भी सील है, इसके ऊपर सील पैक लगा हुआ है, ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल जेल टाइप है, आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ किया, ये बिल्कुल जेल टाइप सी है, एलोवेरा जेल की तरह का है। आपने इसको लगा लिया, ठीक है, लगाने के बाद जैसे हम मास्क अप्लाई करते हैं, आपने ऑल जहाँ जहाँ पे स्क्रब किया होगा ऑल ओवर फेस पे, वहाँ वहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अब मैं जो है ना इसको 30 मिनट रखती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मुझे लगा के सोने में थोड़ी सी उलझन होती है, मतलब कि उसे नहीं सोया जाता, ये जल्दी ड्राई नहीं होता है। देखें बिल्कुल वाटरी फॉर्म में है, वाटर वाटर सा हो गया, ठीक है। जो ओवरनाइट लगाना चाहते हैं वो इसको ओवरनाइट भी हफ्ते में दो दफ़ा लगा सकते हैं। मैं इसको सिर्फ दिन में लगा सिर्फ आधा घंटा यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं फेस वॉश करके जो मेरी स्किन केयर रूटीन है मैं उसको ही अप्लाई करती हूँ, अपना सीरम और क्रीम यूज़ करती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट जो है, मैंने इसको यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा है, आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है। ड्राई स्किन वालों को तो ये मैं डेफ़िनेटली रेकमेंड करूँगी कि अगर वो कोई रीज़नेबल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि उनकी ड्राइनेस जो है वो कवर हो जाए और उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो DIY जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करें और फिर उसको, मतलब कि DIY प्रोडक्ट्स बनाएं और फिर उसको अप्लाई करें, तो इसे वो डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं और इससे स्किन में ब्राइटनेस भी आती है, ठीक है। तो ये दो रीज़नेबल प्रोडक्ट्स थे तो ये चाइना के ब्रांड के, लेकिन मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, अगर आपको किसी और प्रोडक्ट का भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल वाटरी फॉर्म में, क्या तो जल भी नहीं रही है, बिल्कुल वाटर वाटर सा जो है मुझे फील हो रहा है, जैसे मैंने वाटर स्प्रे किया हुआ है, ठीक है। इसको मुँह जब हम इसको वॉश करते हैं थोड़ी सी स्किन जो है ना वो स्टिकी लगती है, लेकिन आप जो है उसको इग्नोर करें या फिर इसके ऊपर जो है कोई भी अपनी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं और सुबह उठें तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी लगेगी और सॉफ्ट एंड स्मूथ भी होगी आपकी क्रीम, और इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और मैं आपसे ऐसी प्रोडक्ट्स शेयर करती रहूँगी जो कि रीज़नेबल भी हो और जिनका 100% रिज़ल्ट भी हो। बस आप ये ध्यान में रखा करें कि सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है, किसी स्किन पे एक बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि जल्दी रिज़ल्ट लेके आता है, और किसी की स्किन पे थोड़ा सा देर से रिज़ल्ट लेके आता है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर देता है। तो मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई थी, और आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।